नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, मैं हूं मनीष कुशवाहा। दोस्तों अभी हम लोग गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों देख सकते हैं घर के पीछे और काफ़ी शानदार तरीके से यहां बकरी पालन किया गया है। काफ़ी कम खर्चे में देख सकते हैं, ऊपर सिर्फ एक करकट डाल दिया गया है और देख सकते हैं काफ़ी सारे इनके पास लगभग 20 के आसपास में बकरियाँ दिख रही हैं। तो टोटल की जानकारी लेंगे, देख सकते हैं यह सिरोही नस्ल का बकरा भी दिख रहा है और जो भी इनके पास बकरियाँ हैं आप देख सकते हैं काफ़ी स्वस्थ काफ़ी हेल्दी है। चाहे वो सिरोही हो, देसी हो या फिर ब्लैक बंगाल हो, सभी बकरियों का यही हाल है। तो इनसे जानेंगे कि किस तरह से अपना फार्मिंग कर रहे हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार सर। अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए हमारे किसान सर। हमारा नाम हुआ शुभम सहानी। हाँ जी। पता गोरखपुर ट्रांसपोर्ट नगर अमृत मंडी। अच्छा 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 जी। कितने समय से आप बकरी पालन कर रहे हैं सर? लगभग 1.5 साल हुआ। लगभग 1.5 साल से कर रहे हैं जी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये घर के पीछे आप फार्म बनाए हैं क्या? जी। तो जैसे ये आपको घर बनाने वाले हैं? ये मकान बनने वाला है अभी। अच्छा, बनेगा धीरे धीरे। अच्छा, ये पुराना वाला घर? ये पुराना मकान, ये नया बनवा रहे हैं हम लोग। नया इधर बनवा रहे हैं जी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं काफी ऊंचाई पे आपका बकरी फार्म है, नीचे सीढ़ी गया हुआ है जी। ये हमारा बेसमेंट है। अच्छा, नीचे बेसमेंट है जी थोड़ा। अच्छा, बेसमेंट पे ढलाई किया हुआ है जी। ढलाई किया हुआ है। ढलाई किया हुआ है फिर भी उसके ऊपर आप मिट्टी बिछाए हुए हैं। मिट्टी डालना सर, बाढ़ आता है थोड़ा हमारे वहाँ। अच्छा अच्छा। इसलिए थोड़ा जमीन से लगभग 8-10 फीट ऊपर फार्म बनवाना पड़ा। बाढ़ वाला क्षेत्र है। बाढ़ वाला क्षेत्र। अच्छा, इसीलिए आप लोग बेसमेंट मतलब ऊंचाई पे घर बनाते हैं? हाँ, ऊंचाई घर बनाते हैं। मतलब नीचे वाला छोड़ दिया फिर ऊपर वाला पे रहने लगे ना जी। अच्छा, जैसा कि हम देख पा रहे हैं अभी आपके पास टोटल कितनी बकरियां हैं? टोटल सर 18 हैं, छोटे बड़े मिला के। टोटल छोटे बड़े मिला के 18 बकरियां हैं। तो बकरी पालन के बारे में आपको कैसे मालूम चला? सर ऐसे ही शौक से पहले एक लाए। अच्छा अच्छा। एक से धीरे धीरे शौक बढ़ता चला गया, फिर ये दूसरी लाए। अच्छा अच्छा। फिर शौक बढ़ता गया, फिर इसको लाए। अच्छा, ये तीन सिरोही नस्ल का है जी। सिरोही नस्ल का हमारा ब्रीडर है सर। अच्छा अच्छा, ब्रीडर यही है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। खड़ा कर गया? बिल्कुल बिल्कुल, दिखाइए थोड़ा। कितना खरीद के लाए थे सर? ये उस टाइम को 9,000 में मिले थे। कितना दिन पहले खरीद के लाए थे? लगभग 1.5 साल हो गया। अच्छा, 1.5 साल हो गया। उठ जा, नहीं उठेगा लग रहा है। बहुत अस्कती बग रहा है। अच्छा, अस्कती है। अच्छा, इसी से मतलब टोटल क्रॉसिंग करवाते हैं कि ब्लैक बंगाल भी रखे हैं? नहीं, केवल एक ब्रीडर है। अच्छा, मतलब क्रॉसिंग के लिए सिरोही ही रखे हैं जी। अच्छा अच्छा, तो ब्लैक बंगाल आपके पास ज्यादातर ब्लैक बंगाल है कि ज्यादातर राजस्थानी बकरियां? लगभग राजस्थानी बकरियां थोड़ा ज्यादा है। ब्लैक बंगाल बस 3 ही है, लेकिन ब्लैक बंगाल और लेना है। अच्छा, 3 ही ब्लैक बंगाल है जी। ज्यादातर कौन कौन सी नस्ल की है सर? वही सर, नस्ल प्योर नहीं है, क्रॉस ब्रीड में ही है। अच्छा, एक गुजरी हो गया, उधर किनारे बैठी है बड़े कान वाली, वो थोड़ा सिरोही है। अच्छा, ये इसकी बच्ची है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये राजनपुरी है, जहाँ से लिए थे ट्रेडर से लिए थे। अच्छा, बताया कि राजनपुरी है। राजनपुरी जी। राजनपुरी ये कौन सा नस्ल होता है? अब पता नहीं, इतना तो जानकारी नहीं है फिलहाल। ये उसकी बच्ची है। अच्छा, ये फर्स्ट बच्ची है। अच्छा, और एक ये है खस्सी बकरा, एक वहाँ बैठा हुआ है वो भी खस्सी बकरा, ये थर्ड बार बच्चा है इसका। अच्छा, आपके बकरे काफी स्वस्थ लग रहे हैं जी। खिलाते पिलाते बहुत अच्छा से हैं? हाँ, खिलाए पिलाए सर, कोई कमी नहीं रखते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। भरपूर खिलाते हैं इनको। क्या क्या खिलाते हैं? स्टॉल फीड पे रखे हुए हैं कि चराई पे? सर सेमी स्टॉल फीडिंग है, मतलब सुबह घर पे खिलाते हैं और शाम को चराई पे ले जाते हैं। अच्छा, शाम को चराई पे भी ले जाते जी। अच्छा, मतलब चराई पे कितना देर तक रखते हैं? सर वही 3:30-4 बजे ले जाते हैं, फिर वापसी में 6 बजे तक घर आ जाते हैं। अभी तो जैसा कि देख पा रहे हैं बारिश का मौसम है, बारिश हो भी रहा है जी। तो अभी तो आप चराई पे ले नहीं जाइए? तो आज चराई पे नहीं जाएंगे तो सर हमारे पापा थोड़ा राजस्थान से हरी पत्ती मंगाए हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो राजस्थान से हरी पत्ती आया, फिर यहाँ पे हमारे बगल में चने का छिलका मिलता है। अच्छा, तो चने के छिलके और हरी पत्ती को मिक्स करके शाम को इन सबों को भरपूर दे देते हैं। तो राजस्थान से हरी पत्ती मंगाने की क्या जरूरत पड़ी? यहाँ भी तो बहुत सारा गेहूं का भूसा वगैरह होता है सर, थोड़ा मन से खा लेती हैं बकरियाँ। अच्छा, वो वाला पत्ती ज्यादा अच्छा से चाव से खाते हैं? हाँ, बहुत चाव से खाते हैं लौंग पत्ती। राजस्थानी पत्ती कैसे मंगवाया जाता है उसके बारे में? उसके लिए सर वहाँ पे एक नागौर में है। अच्छा अच्छा। उनको पहले ऑनलाइन पेमेंट डाल देना पड़ता है, फिर लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट है एक। अच्छा अच्छा अच्छा। ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत ज्यादा गिर जाता है। अच्छा, मंगवाने का खर्चा मंगवाने का खर्च बहुत ज्यादा लग जाता है। अच्छा अच्छा। नहीं तो यहाँ पे आके हमारे घर पे 3400 रुपए क्विंटल पड़ा था, 2 क्विंटल मंगाए थे। 3400 रुपए क्विंटल जी, यानी कि 3400 रुपए केजी के हिसाब जी। 3400 रुपए केजी हमारे वहाँ के पड़ गया था। अच्छा अच्छा। चोकर क्या कैसे केजी मिल जाता है यहाँ पे? चोकर अभी हमारे वहाँ 23 रुपए केजी है यहाँ पे जी। तो आपको तो चोकर से भी बहुत ज्यादा रेट हो गया उसका, चोकर पत्ती का जी। तो फिर आपको बेनिफिट लगता है उसमें? नहीं, बेनिफिट नहीं है फिलहाल, अभी शौक के लिए खिलाते हैं हम लोग। अच्छा, मतलब इसको धीरे धीरे आदत लगवाने के लिए मिक्स करके खिलाते रहे हैं। तो देसी बकरी के बारे में क्या ख्याल है? जैसा कि आपके पास 3 ब्लैक बंगाल भी है जी, और राजस्थानी बकरी भी कर रहे हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस आपको क्या अंतर लग रहा है? सर ब्लैक बंगाल है
दोनों अपने अपने जगह पे ठीक है सर, दोनों दोनों का ग्रोथ रेट बहुत बढ़िया है, दोनों का ग्रोथ रेट अच्छा है जी। क्या मतलब कितना केजी तक हो जा रहा है? अब सिरोही बकरा ये हमारा चार दांत पे है, अच्छा, समथिंग 55-60 केजी तक, 55-60 केजी अभी आप जी खरीद के लाए थे, तब तक कितना केजी था लगभग? उस टाइम ये 22-23 केजी का था, बच्चा ही था। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे ही था। अच्छा, ये बकरी जब लाए थे ठीक किसी की बच्ची है, ऐसे ही खरीद के लाए थे। ये सब बकरियां कहाँ से आप खरीद के लाए थे? सर यही पिकअप से आते लाते हैं सब। अच्छा अच्छा, पिकअप से हमारे आते हैं, उन लोगों से खरीद, उन लोगों से खरीद। तीन बच्चे लिए कि स्कूल लिए थे, एक स्कूल लिए थे जो यहाँ बैठी है। अच्छा, अच्छा। उसको लिए थे, तीन खरीदे थे, उसी से सब धीरे धीरे पैदा जी हुआ। उसी के इसका बच्चा ये है। अच्छा अच्छा, ये भी प्रेग्नेंट है। अच्छा अच्छा अच्छा, और उसका बच्चा ये बैठी हुई है। अच्छा अच्छा, ये हमारे दोनों ब्लैक बंगाल के बच्चे हैं। अच्छा, ब्लैक बंगाल के जी, ये अभी सब 6-7 महीने के हैं। अच्छा, सिरोही से क्रॉस है ब्लैक बंगाल का जी, 7 महीने का बच्चा है सिरोही ब्लैक बंगाल क्रॉस। क्या ग्रोथ चल रहा है इसका अभी? सर वही लगभग समथिंग 7-8 महीने का है सर ये लगभग। अच्छा, ये ब्लैक बंगाल का बच्चा? हाँ, ब्लैक बंगाल इसी का बच्चा है। मतलब सिरोही पे बाप गया है, कान वाला की तरह लग रहा है सर। एक ये है, ये एक वो है, दोनों भाई बहन। अच्छा, अच्छा, दोनों का कान बड़ा बड़ा है ना? दोनों का कान बड़ा बड़ा है। अच्छा अच्छा, कितना केजी बता रहे हैं अभी आपको गया है? सर वही 15-16 केजी का होंगे समथिंग। ब्लैक बंगाल ब्रीडर से क्रॉस करवा रहे थे तो कितना केजी रहता सर? ब्लैक बंगाल से ब्लैक बंगाल क्रॉस करने में ग्रोथ थोड़ा कम है। अच्छा, उसका ग्रोथ थोड़ा कम है जी। अच्छा, तो अब नया बकरी आप खरीदने का विचार प्लानिंग कर रहे हैं क्या, और बढ़ाने का प्लानिंग है? प्लानिंग तो है। तो कौन सी बकरी आप खरीदेंगे लाएंगे? देसी ब्लैक बंगाल। क्यों? अभी तो आप बता रहे थे कि सिरोही का अच्छा ग्रोथ। एक्चुअली बात क्या है कि जो पहले हमको उतना पता नहीं था, तो इधर सुधीर सर से ट्रेनिंग लिए हैं। अच्छा, ट्रेनिंग भी आप लिए हैं जी? अच्छा, कब, कितने दिन पहले? सर अभी कल ट्रेनिंग से आए हैं। अच्छा, जस्ट ही ट्रेनिंग आपका? जस्ट ट्रेनिंग लिए हैं, तो बकरी खरीदारी के बारे में पता नहीं था। अच्छा अच्छा, अब अच्छी अच्छी देसी ब्लैक बंगाल बकरी खरीद के और इसी बकरे से क्रॉस कराना है। मतलब सर का कहना है कि देसी ज्यादा बेहतर है जी? ज्यादा बेहतर है। अच्छा अच्छा, ट्रेनिंग आपको लगता है ट्रेनिंग से फायदा होता है? बहुत फायदा है सर, बहुत फायदा है। अब उतनी जानकारियां नहीं थी हमें दवा के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में। अच्छा अच्छा अच्छा, वैक्सीन तो फिलहाल इन सबको पीपीआर लगा है, पीपीआर के बाद ET+ET कर दिए हैं। अच्छा, ट्रेनिंग के लिए आपको दूर जाना, कहाँ जाना पड़ा था? यही 20 किलोमीटर दूर महाराजगंज गोरखपुर में उनका ट्रेनिंग सेंटर है, संजय। अच्छा, गोरखपुर संजय गुप्ता के वहाँ। अच्छा, हाँ हाँ, गोरखपुर में जो संजय जी के यहाँ चलता है वहाँ महाराजगंज टिकरिया रोड। अच्छा, महाराजगंज में जी। अच्छा अच्छा, वहाँ पे अभी ट्रेनिंग हमेशा चलते रहता है? हाँ, वहाँ पे चलता रहता है। अच्छा अच्छा, वहीं पे आप संपर्क किए थे जी? मतलब आपको पता चला इसके बारे में? तो ट्रेनिंग से मतलब क्या क्या अभी कुछ इम्प्लीमेंट किया, जैसे ट्रेनिंग से कुछ सीख के आए तो कुछ अभी फार्म में लगाए हैं? जी सर, एक्चुअली हम कुछ दिन पहले, एक महीना पहले, जो हमारे वहाँ 10 बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, टोटल बच्चों बच्चे की संख्या 10 है हमारे पास। अच्छा अच्छा, तो कीड़ी का दवा गए मेडिकल स्टोर से लिए, हमको उतना पता नहीं था। अच्छा अच्छा, तो बोले कि दवा कब देना, तो मेडिकल स्टोर वाले बोले कि शाम को दे दीजिएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जो कि गलत था, बकरी को कीड़ी का दवा डिवार्मिंग कम से कम उनको भूखे रखना है, 8 घंटा भूखे रहे वो, सुबह उनको खाली पेट दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, डिवार्मिंग वाला तो सुबह ही दिया, सुबह खाली पेट में दिया, और देने के बाद कम से कम 2-3 घंटा इनको कुछ नहीं देना है। अच्छा 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 जी, खाली पेट ही रखना है। तो सुबह सुबह आज कल ट्रेनिंग से आए हैं, आज सुबह इनको एलोमार्ट से डिवार्मिंग किए हैं पहला काम। अच्छा अच्छा, मतलब ट्रेनिंग का मतलब जो भी सीखे अब लगाना शुरू कर? हाँ, लगाना शुरू कर देंगे। एक महीने में कुछ दवा ववा भी नहीं, घर पे रहता है इन सबों का, 10 दोस्त का हल्का ओफ्लोकाइंड ओजेड है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वही सब दवा है फिलहाल। ट्रेनिंग में बहुत कुछ दवा के बारे में बताए हैं सर। अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छे से समझाए भी हैं। अच्छा, एक एक चीज समझ में आया है। अच्छा, अब उसको दवा का जितना है हमको इंजेक्शन लगाना भी सिखा दिए हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा, और मतलब बदी बकरी का लगभग काम अपने से कर? हाँ, लगभग अब सारा काम अपने से कर लेंगे। बकरी पालन में क्या आपका प्लानिंग है, मतलब 20-30 दिन रखिएगा कि लंबा? जैसा नहीं सर, काफी छोटा लग रहा है फार्म, अभी छोटा है सर, अभी जैसे संख्या बढ़ता है इनका फार्म बढ़ाते जाएंगे। बिल्कुल, देख पा रहे हैं कि काफी कम खर्चे में आप एकदम सेटअप बना दिए हुए हैं। इसमें कितना खर्चा लगा होगा सब? मुश्किल से 6-7 हज़ार। देखिए बस, जो टीनसेट है, टीना है, यही खरीद कर लाते हैं आप। सिर्फ इनका करकट लगा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। घर के पीछे बनाए हुए देख सकते हैं, पीछे पुराना वाला घर है, इस साइड में नया वाला बन रहा है, और ये बगल में तो दीवार है, बस बस इसी में पूरा फार्म। उधर देख सकते हैं काफी कच्चे तरीके से, बस लकड़ी वगैरह, लकड़ी का वही बांध दिए हैं सब, ताकि बकरियां उधर ना जा पाए, कोई जानवर इधर ना आ पाए। अच्छा, बकरियां नहीं भाग जाए। तो स्टॉल फीडिंग के लिए जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये वाला इसी में खिलाते उड़ाते हैं जी? इसी में खिलाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जैसे कि अभी तो बारिश हो रहा है, तो उसमें कैसे खा पाएगी यार? अभी बारिश हो रहा है तो छोटा छोटा स्टैंड है। अच्छा अच्छा, टप है, कठरा वगैरह भी है,
तो इसी तरह दे देते हैं, कुछ कुछ यहाँ दे देते हैं, कुछ वहाँ थोड़ा गली है। अच्छा 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 20 फीट का गली है, 20x4 का गली है, तो उसमें भी कुछ ले आके अच्छा दे देते हैं, तो बकरियाँ खा लेती हैं हमारी। दो फैन भी लगाए हुए हैं जी सर, फैन है, लाइट है। फैन की जरूरत है बकरी पालन के लिए? सर जरूरत तो ऐसे अपने अपने हिसाब से, गर्मी जब उमस वाली गर्मी पड़ती है तो सबको गर्मी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, इनको भी गर्मी होगा, ये भी हमारे एक फैमिली है। बिल्कुल बिल्कुल, फैमिली की तरह रखेंगे, फैमिली एक तरह ही रखेंगे सर जी। बिल्कुल, इनके लिए चौकी बनवाए हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इसी में सब रहते हैं। अच्छा, तो जैसे मैं धीरे धीरे मतलब ब्लैक बंगाल पर आप काम करना चाह रहे हैं, ब्लैक तो बंगाल, ब्लैक बंगाल से ब्लैक बंगाल का ब्रीड से क्रॉस करवाइएगा या फिर सिरोही से क्रॉस ब्रीड पे काम? नहीं, क्रॉस ब्रीड पे काम करना है। क्रॉस ब्रीड पे काम करना है, मतलब सिरोही का जो बकरा है आपको इससे मतलब ब्लैक बंगाल का क्रॉस जी। अभी थोड़ा पैसे की दिक्कत है, नहीं तो कुछ बड़े नस्ल का भी बकरियां लाते हैं। अच्छा, बड़े नस्ल का मतलब सभी पे एक्सपेरिमेंट करना, सभी पे हमारा एक्सपेरिमेंट रहेगा, क्योंकि हम ऐसे जगह हैं, हमारे वहाँ कुछ शौकीन का भी मार्केट है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि पहले मार्केट को समझिए उसके हिसाब से। हमारे वहाँ शौकीन का भी मार्केट है, मीट का भी मार्केट है, कुर्बानी का भी मार्केट बहुत बढ़िया है। हमारा मेन टाउन में घर पड़ता है, हमारे वहाँ से स्टेशन 5.5-6 किलोमीटर रेलवे स्टेशन है। अच्छा अच्छा अच्छा, मेन मार्केट आपका 2-2.5 किलोमीटर मेन मार्केट जो शहर का होता है, गोरखपुर शहर का। अच्छा 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 जी, तो मतलब यहाँ पे हर तरीके का मार्केट है, हर तरीके का मार्केट है। क्रॉस नस्ल और राजस्थानी ब्रीड पर भी काम करना जी, राजस्थानी ब्रीड पर काम करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब बेस के लिए आप मतलब ब्लैक बंगाल? हाँ, सीखने के पर्पज से, देसी इनका इम्यूनिटी पावर, रोग से लड़ने की क्षमता बहुत बढ़िया है इनके अपेक्षा। अच्छा अच्छा, इनको जब लाए थे शुरू में सर, तो हमें लगा कि बचेंगे नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, हमें लगा कि सब बचेंगे नहीं, लेकिन हमारे पिताजी थे जो पहले बकरी रखे हुए थे, हमें तो कुछ पता नहीं था। अच्छा अच्छा, तो हमारे दादी उदी बकरियां रखी थी तो थोड़ा जानते थे। अच्छा, समझ लीजिए हमारे पिताजी इनको बचा लिए। अच्छा अच्छा, नहीं हाँ, तो आपसे शुरू में दिक्कत, हमसे शुरू में अगर हम रहे तो केवल हमारे भरोसे तो सर ये नहीं बचती। अच्छा 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 जी, लेकिन अब कॉन्फिडेंस आया है कि नहीं ट्रेनिंग करने का? ट्रेनिंग करने का बहुत कॉन्फिडेंस है सर। अच्छा अच्छा, चलिए, आपका फार्म देख के काफी अच्छा लगा, ये देखकर भी काफी अच्छा लगा कि काफी कम खर्च में आप मतलब फार्म वगैरह बनाए हुए हैं। सेठ सर, फार्म स्टार्ट करने से पहले आप उनके बकरियों पर फोकस करिए, ना कि फार्म पे जाइए सर। फार्म ऐसी तरह बनवा लीजिए बारिश से बच जाएं, धूप से बच जाएं, ठंड से बचा लिए, उतना ही हिसाब से फार्म बनवाइए सर। बिल्कुल बिल्कुल, कम बजट में फार्म बनवाए तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा अच्छा, साइड में तो जैसा कि पन्नी कुनी का आप लगाए हुए हैं, ठंडा में पन्नी कुनी गिरा दीजिएगा। हाँ, ठंड में तिरपाल पर, ठंड में तुम्हारे बेसमेंट में चले जाएंगे। अच्छा, नीचे भी, नीचे बेसमेंट है, तो अभी इतनी बकरी हमारे बेसमेंट में रहती हैं। मान लीजिए तेज बारिश हुआ, तिरपाल गिरा दिए, ज्यादा ठंड पड़ रहा है तो उसको चारों तरफ से पैक कर दीजिए। अच्छा 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 जी, मतलब इसमें भी किया जा सकता है, अगर बेसमेंट नहीं भी रहता तो फिर भी इसमें भी किया जा सकता है। तिरपाल थोड़ा मोटा तिरपाल गिरा दिए, उधर भी दीवाल है, इधर भी दीवाल है, इधर भी थोड़ा दीवाल है, पूरा अच्छे से पैक करके कहीं दो जगह आग जला के लटका दीजिए किसी चीज में, तो आग जला के रखते हैं। हाँ, ठंड में आग जला रखते हैं। कैसे ध्यान देते हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं चौकी पर आप सारी बकरियों को रखे हैं? चौकी पर सारी बकरियों रखे सर, हम एक्चुअली कहीं और काम करते हैं। अच्छा, तो इसकी साफ सफाई हफ्ते में एक दिन करते हैं, बाकी चूने उने का छिड़काव करते रहते हैं बराबर। हफ्ता में एक दिन इसको मतलब जी, हफ्ते में एक दिन, एक ही दिन करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब डेली समय का हमारे पास समय नहीं है, तो छोटा भाई देखभाल करता है इन सबों का। हम मंडी में काम करते हैं, सुबह 6 बजे मंडी चले जाते हैं, वापसी आते थे 4 बज जाता है 5 बज जाता है। अच्छा अच्छा, इस कारण से ही मतलब हफ्ता में एक दिन ही सफाई करते हैं। एक दिन ही सफाई करते हैं, तो हफ्ता में एक दिन सफाई करते हैं, तो ऐसा तो नहीं बीमारी वगैरह आती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। बचाव के लिए मतलब चूना उना का छिड़काव करते हैं? चूने उने का छिड़काव करते रहते हैं, चूने का छिड़काव हफ्ता हम दो बार 3 बार जरूर करते हैं, मिला के साथ छिड़का जाता है। हाँ, अभी पता चला है, कोई दवा बताएं, कॉपी में लिखे हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, उसको मिला के अब छिड़काव करेंगे। मिला के छिड़काव कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा जी, ताकि कोई फंगस वगैरह भी नहीं लगे आपके काम पे। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा, आपका सस्ता वाला फार्म देख के भी काफी अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। दोस्तों, अगर आप सुधीर सर की ट्रेनिंग की पूरी वीडियो देखना चाहते हैं, ट्रेनिंग के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो उसके लिए लेफ्ट वाला वीडियो देखें, नहीं तो बकरी पालन संबंधित और सारा जानकारी चाहते हैं तो राइट वाला प्लेलिस्ट देखें। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।